22 साल की भारतीय महिला शूटर मनु भाकर ने इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। वे पेरिस ओलंपिक में कमाल का प्रदर्शन करते हुए अभी तक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल्स में जीता था, वहीं दूसरा मेडल उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में जीता। हर एक खेल जगत में इस समय सिर्फ मनु भाकर चर्चाओं में है, लेकिन सोशल मीडिया पर एमएस धोनी और विराट कोहली के फैंस मनु भाकर को लेकर आपस में भिड़ते नजर आए। मनु भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के शुरुआत से पहले एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो किस भारतीय क्रिकेटर को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ फैंस उनके एडिट किए हुए वीडियोज को शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में मनु ने कहा कि उनका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, लेकिन ये उनके इंटरव्यू का पूरा वीडियो नहीं है, जिसके चलते एमएस धोनी के फैंस सोशल मीडिया पर विराट से भिड़ गए। विराट और धोनी को लेकर उनका कहना है कि विराट के फैंस ने वीडियो को एडिट कर शेयर किया। दूसरी ओर एमएस धोनी के फैंस के इस इंटरव्यू का पूरा हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि मनु भारत कह रही हैं कि उनका अलग अलग खेल में अलग अलग फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है। क्रिकेट में बिल्कुल विराट और धोनी उनके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है। शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक किसी सपने से कम नहीं रहा। मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए एक सीजन में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। हालांकि उनके पास अभी भी एक और मेडल जीतने का मौका है। वे महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी हिस्सा लेंगी। ये इवेंट 3 अगस्त को खेला जाएगा। बता दें, मनु भाकर का ये दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले उन्होंने 18 साल की उम्र में 2020 ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन तब वे बंदूक खराब होने की वजह से मेडल जीतने से चूक गई थी। वैसे ही ऑल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।